10 लाख कहाँ से दे दूंगा मैं यार। कह रहा 10 लाख देता हूँ ठीक है ना, तो वंचित हो रहा है, दो चार मुकदमे में हो रहा हूँ, वंचित करूँगा प्यारे राम के सख्त निर्देश है। तो फिर कैसे क्या कहूँ साहब, आ गए थाने? हाँ यही है साहब, मेरे पास ही है, बात करेंगे नहीं है? पहले बात करनी होती, पहले बात करते, पहले क्यों नहीं आया, मिला नहीं इतने दिन हो गए मुझे यहाँ, कभी आया सलाम करने को? कहीं वो सलाम करने लायक है या तो आता। क्या किया जाए, अब तुम खुद समझदार हो, मेरी हालत देख लो यार, बात कर लो यार, बचा लो अपने भाई को यार, बड़ा एहसान होगा, बच्चे दुआ देंगे तुम्हें यार कोशिश सबको। में भाई यार, पूरी पूरी कोशिश कर रहा हूँ मेरे भाई, मैं इतना ही तो कर सकूँ। बताओ 1-2 लाख की बात है, मैं एडजस्टमेंट कर रहा हूँ यार, बताओ। तो लिखवा देंगे भाई तेरी सब ईमानदारी से, कर ही देंगे ये सच में। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, 1-2 लाख की बात हो तो मैं कर ले रहा हूँ यार कहीं से कुछ। हाँ देखो जो हमें बताएगा वो हम तुम्हें बता रहे हैं सोनू भाई, बस क्या बताऊं तुम्हें, हमें इस बात का बहुत कष्ट हो रहा है, बहन का नौड़ा तुम्हें वंचित किया जा रहा है, नहीं तो मैं कह तो रहा इस हूँ, बात को सीरियस ले लो। मैं कह तो रहा हूँ 1-2 लाख की बात हो तो मैं कर ले रहा हूँ कहीं से कोई इंतजाम यार। ना मानने की मैंने इन्हें खुद अपनी तरफ से कह दिया, मगर धन्य होने का मगर 5-4 तो हो भी सके, मैंने अपनी तरफ से कह दिया ना 5-4 हो, कह जी हाँ चलो दस लाख एक दाम 10 लाख ना तो रहने दो, चलो 4 कह दो। मैं बता तो रहा हूँ, मैंने अपनी तरफ से कह दिया उन्होंने, मैं कहा 5-4 लाख रुपए मिल जाएंगे, नु कह रहे 10, हाँ ना मैं 10 अगर बताता हूँ तो बता देना तो रहने दे। चलो तो मना कर दो, कहीं कर दो वांछित, कोई बात नहीं है, ठीक है ठीक भाई। ठीक। सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऑडियो संज्ञानित हुआ है जिसमें दो व्यक्ति आपस में बात कर रहे हैं और एक व्यक्ति उसमें से दूसरे व्यक्ति से कुछ पैसों की मांग कर रहा है। इसमें प्रारंभिक जांच में पता चला कि ये जो ऑडियो है एक सिपाही थाना फतेहगंज पश्चिम में अमरदीप है और दूसरा तरफ जो व्यक्ति है वो सोनू कालिया है जो थाना मीरगंज से पूर्व से वांछित चल रहा है और उसके ऊपर MBW भी थाना मीरगंज से चल रहा है। साथ ही साथ इसमें 8/4/2022 को फतेहगंज पश्चिम में सोनू कालिया के विरुद्ध एक मुकदमा पंजीकृत हुआ है NDPS में और उसमें वो वहाँ से भी वांछित चल रहा था। इस पूरे प्रकरण में पता चला कि जो सिपाही अमरदीप है वो सोनू कालिया जो पूर्व से अभियुक्त है और NDPS में मादक पदार्थों की तस्करी करता है वो उसको बचाने के लिए कुछ पैसों की उसमें मांग करते हुए दिख रहा है। इस पूरे प्रकरण में जो सिपाही अमरदीप है उसको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है और साथ ही साथ उसके विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और IPC की धारा के तहत जो मुकदमा है पंजीकृत कर लिया गया है और उसको हिरासत में ले लिया गया है, साथ ही साथ उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा।